चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर बड़ी कार्रवाई के तहत जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई के तहत अंजाम जो इस कार्रवाई को दिया गया, जिसमें एसीबी ने दो आरएएस अधिकारियों को ट्रैप किया है। 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों ही जो आरएएस अधिकारी हैं, इन्हें ट्रैप किया है एसीबी की टीम ने। दरअसल आपको बता दें कि सड़क निर्माण मामले में घूस यहां पर मांगी थी। दौसा और बांदीकुई एसडीएम को घूस लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप एसीबी की टीम ने किया। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता यादवेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, इस बार दो आरएएस अफसरों को ट्रैप किया गया है, क्या पूरी कार्रवाई रही यादवेंद्र? देखिए जैसी, बिल्कुल दोनों अधिकारी जो आरएएस अधिकारी हैं, जिसमें बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा है और साथ में दौसा एसडीएम है पुष्कर मित्तल, इसको यहां पर एसीबी की टीम ने 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर रंगे हाथों दबोचा है। क्योंकि एक सड़क निर्माण का जो कार्य चल रहा था, इस कंपनी की ओर से यहां पर ये जो रिश्वत की जो राशि की जो पेशकश है वो की गई थी, और इसके बाद यहां पर जो कंपनी की ओर से जो दिनेश एमन है एडीजी एसीबी के अंदर और साथ में जो डीजी है पीएल सोनी, उनको यहां पर सूचना दी गई थी, शिकायत की गई, और इसी के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से आज एसीबी की टीम ने दो आरएएस अधिकारियों को यहां पर रंगे हाथों 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए यहां पर दबोचा है। अभी फिलहाल यहां पर कार्रवाई चल रही है, एएसपी नरोत्तम वर्मा और इंस्पेक्टर है नीरज भारद्वाज, उनके निर्देशन में यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार यहां पर जो जिस तरीके से शिकंजा बना हुआ था और एसीबी की जो टीम थी वो लगातार इन दोनों आरएएस अधिकारियों पर नजर बनाए हुए थे, और योजनाबद्ध तरीके से आज इन दोनों आरएएस अधिकारियों को यहां पर जो एसडीएम है दौसा और साथ में बांधी हुई, इन दोनों को यहां पर 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ यहां पर रंगे हाथों एसीबी की टीम ने फिलहाल दबोच लिया है। बहरहाल यहां पर दोनों एसडीएम अधिकारियों से यहां पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर रिश्वत का जो खेल चल रहा था, इसको लेकर के पूरे महकमे के अंदर एक बड़ी हलचल मच गई है। क्योंकि सबसे बड़ा धमाका बताया जा रहा है, एक साथ दो आरएएस अधिकारियों को एक साथ दबोचना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी को यहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हरी झंडी मिली हुई थी और बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए, फांसने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए थे, और उसी की तर्ज पर यहाँ पर एसीबी जो डीजी है बीएल सोनी, उनके निर्देशन में यहाँ पर दोनों अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए दबोचा है। बहरहाल जो सड़क निर्माण जो कंपनी थी, ये जो रिश्वत की राशि दी जा रही थी, किस मामले को लेकर दी जा रही थी, इन सब बातों के, इन सब को लेकर के फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई है, ये बात तो तय हो गई है कि एसीबी किसी भी घूसखोर को यहाँ पर बख्शने के मूड में नहीं है, और इसी के चलते ताबड़तोड़ लगातार जो पिछले 20 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसका यहाँ पर सिलसिला बदस्तूर जारी है, और आज इसी के चलते तो आरएएस अधिकारी है यहाँ पर जो एसीबी के यहाँ पर चंगुल में फंस गए बिल्कुल अब। जी चलिए यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।